कैसे लग रहे हैं हमें बताना, और आपको पिछला ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो रही है मंदिर से, क्योंकि मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। आपको मैं आज का सी व्यू दिखाती हूँ। आपको हमारा पिछला ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हमने बहुत मेहनत की है, हमने बारिश में बाहर जाके ब्लॉग बनाया है। तो उस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जिन्हें वो वीडियो नहीं देखी है जाके फटाफट से देखो। तो अभी का ब्लॉग मैं बना रही हूँ नारियल के पेड़ के नीचे बैठ कर, एज यू कैन सी। होप सो कोई नारियल मेरे सिर पे ना गिरे और मेरी याददाश्त ना जाए। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर से वापस और अब जा रही हूँ अपने घर की ओर। आज मौसम अच्छा है, धूप लगी है। जब बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि कहीं जा ही नहीं सकते। जब धूप लगती है तो इतनी तेज धूप लगती है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ स्मोकी आई करने का, जो कि मुझे नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने पहले देखी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो और अब मैं इसे खुद पे ट्राई करूँगी। देखते हैं कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलो मैं ये फेस ब्यूटी का है आई शेडो पैलेट, और इसमें करूंगी। तो पहले वीडियो के अकॉर्डिंग हमें जो काजल है वो लगानी है अपनी यहाँ। ओके ठीक है, ठीक है, समझ गया। करते हैं। आपको पहले अपने अंदर ऐसे करना है, ऐसे फिर अप्लाई करना है काजल। और अगर मेरे गंदे गंदे फेसेस बने तो हंसना मना है। ओके मन जी कह रहा हंसो मत। ऐसा लगा है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ओके ब्लेंड करते करते इतना ब्लेंड कर दिया कि मैंने पूरा काजल ही साफ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो हमें फिर से लगाने हैं काजल, क्योंकि हमने इतना स्मच किया है कि ये पूरा ही उड़ चुका है। अभी हम इसको दोबारा से काजल लगाएंगे। तो वीडियो के अकॉर्डिंग हमें लगाना है अब यहाँ पे लाइट आई शेडो, लाइट ब्राउन कलर। ये तो दिखने लगा आपको कौन सा कलर है, मैं इसे अप्लाई करूँगी। जाना बेटा, तो इसे टप टप करके करूँगी मैं इसे। तो गाइस एक घंटे की मेहनत के बाद रिजल्ट ये है। हम हैं अभी गोरेगांव चौपाटी पे, गोरेगांव में, और बारिश के साथ साथ गणेश विसर्जन करने आए हैं। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
चौपाटी गए थे गणेश विसर्जन के लिए, वहाँ पे देखने गए थे एक्चुअली कि गणेश विसर्जन कैसे होता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये। हमारे उधर तो नहीं मनाते हैं उत्तराखंड में, लेकिन इस साइड बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव को एक फेस्टिवल के जैसे ही। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, बहुत ही अच्छी वाइब थी। आजकल ये जो भी 9-10 दिन रहे हैं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी लाइटनिंग थी सब जगह, बहुत बहुत अच्छा था। और गणेश विसर्जन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन बीच में इतनी जोरदार बारिश आई सब भीगे, हम भी भीगे। लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हुआ तो फिर से लोग आए, अपने अपने गणपति रखे, किसी के छोटे छोटे, किसी के इतने बड़े गणपति रखे हुए थे। तो वो सब बहुत अच्छा था, वो सब अभी भी जा ही रहे हैं लोग विसर्जन के लिए, तो आज तो रात तक ही रहेगा शायद ये। लेकिन बहुत अच्छा था जो भी था। वेदव्यास जी जब गणेश जी को कहानी बता रहे थे महाभारत की, तो गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि अगर आप 10 दिन तक कंटिन्यूसली मुझे कहानी सुनाओगे तभी मैं ये लिखूँगा। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली 10 दिन तक उनको कहानी सुनाते रहे महाभारत की। लेकिन जब 10वें दिन गणेश जी कंटिन्यूसली लिखने के कारण उनकी बॉडी गर्म हुई, हीटअप हुई, तो वो हिल नहीं पाए, वो काफ़ी गर्म हो चुके थे। तो उस टाइम पे फिर वेदव्यास जी ने उनको जो भी पास की रिवर रही होगी उसमें स्नान करवाया ऐसा कुछ। तो इसलिए 10 दिन के बाद लोग गणेश विसर्जन करते हैं, क्योंकि तब तक एनर्जी जो होती है गणेश जी की मूर्ति में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो नॉर्मल लोगों के लिए हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए विसर्जन कर देते हैं 10 दिन के बाद में। तो ये कहानी मुझे पता थी, मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो। अगर आप लोगों को कोई और कहानी पता हो तो वो ज़रूर शेयर करना, क्या पता मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो बस यही बताना था आप लोगों को। आपने देख ही लिया होगा कितने अच्छी अच्छी गणेश जी की मूर्ति लोगों ने रखी हुई थी, बहुत 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 बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ थी, बहुत छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत प्यारा। और एक गणेश उत्सव तो हम उस टाइम से देखते हैं जब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, तो उसमें देखा था सबसे पहले वो गणेश उत्सव मनाना ये सब। तो उसमें देख के लगता था कि काश हम भी इंजॉय कर पाते इस चीज़ को, हमें सेलिब्रेट कर पाते इस चीज़ को। लेकिन फाइनली डेस्टिनी मुझे यहाँ लेके आई मुंबई में, और मैंने गणेश उत्सव देखा तो मैं बहुत खुश हूँ। बस अभी बस इतना ही। आई होप आपने हमारा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपने हमारा ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। आज का ऑफर कुछ ऐसा है, अदरवाइज आपको नारियल जरूर का अपना अपने अकाउंट का। अरे कहना क्या चाहते हो देखने के लिए कि